हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू इन्फोटेक ऐप। इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप टेक्नोलॉजी की खास टिप्स और ट्रिक जानना चाहते हैं? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप अगर यूट्यूबर हैं या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आज का टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि यहाँ मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक्स जो आज तक आपने ना देखी होगी। आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर आप जो है सॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके अंदर में नॉइस आता है या फिर हमिंग आपको सुनाई देता है, तो उसको किस तरीके से इरेज किया जाता है, आज हम बात करेंगे। विदाउट किसी एप्लीकेशन का यूज किए आपको एक सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना है या फिर ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, अगर आपका कंप्यूटर के अंदर में रियल टेक के ड्राइवर है या फिर आप एनवीडिया यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो आप साउंड एनहांसमेंट के थ्रू आप अपने कंप्यूटर के अंदर में रिकॉर्डिंग जो करेंगे उसके अंदर में जो है नॉइस जो है बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा, हमिंग बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो में मैंने ये सीधी कंप्यूटर स्क्रीन पे जान लेते हैं किस तरीके से वो सेटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है और क्या है उसकी पूरी सेटिंग। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हो या चाहे आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें जो है साउंड सेटिंग में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद मैं विंडोज 10 की सेटिंग बता रहा हूँ। मैं विंडोज 7 वगैरह की भी सेटिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। साउंड सेटिंग कंट्रोल में जाने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो माइक का ऑप्शन है उस पर देखिए, यहाँ पे अनाउंसमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर में रियलटेक ड्राइवर्स तो है, साउंड वगैरह रिकॉर्ड तो आप कर सकते हैं, साउंड सुन भी सकते हैं, लेकिन जो है साउंड का नॉइस को रिमूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको जाना है इंटरनेट के ऊपर में। इंटरनेट पे जाने के बाद में आपको उसके ड्राइवर्स को डाउनलोड करना है। अगर आपका रियलटेक का है पीसी, रियलटेक ड्राइवर्स अगर लेता है, देखिए विंडोज 7, विंडोज 10 अगर है तो रियलटेक 2.something नाम का, यहाँ पे विंडोज 8 के लिए दिया गया है। ये तीनों लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से जाकर आप अपने कंप्यूटर के अंदर में ड्राइवर्स को डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 2.80 नाम का जो है विंडोज 10 के लिए दिया गया है, 64-bit के लिए। आप यही रेफरेंस उसे डालना है और गूगल पे सर्च कर लेना है और उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में देखिए आपका ड्राइवर जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके आगे उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आप लिख दें। इस तरीके से डाउनलोड हो जाएंगे विंडोज 10 के ड्राइवर्स। अब इसका सेटअप हमें रन कर देना है। यहाँ पे देखिए सेटअप हम स्टार्ट करते हैं। सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है कुछ ड्राइवर्स लेना स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो है सेटअप स्टार्ट होगा, देखिए कुछ समय के बाद में देखिए ये अब नेक्स्ट हमें कर देना है। 2.82 नाम के ड्राइवर्स, हाई डेफिनेशन। विंडोज़ अगर आप यूज़ करते हैं विंडोज 10 तो आपके लिए बेटर है, और नॉइस को रिमूव करने के लिए काफ़ी बढ़िया ये एप्लीकेशन या ये रियलटेक के ड्राइवर्स या इंटरफेस दिया गया है। ये जो यूज़र इंटरफेस है ये काफ़ी कम लोगों को पता है। ड्राइवर्स हम लोड कर लेते हैं लेकिन हम अपने कंप्यूटर के अंदर में साउंड के नॉइस को रिमूव नहीं कर पाते। ये वीडियो रिकॉर्डिंग जब हम कर दे तो उसके अंदर में थोड़ा बहुत नॉइस हमिंग वगैरह सुनाई देता है। ये देखिए यहाँ पे ड्राइवर्स डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद में आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए इसी तरीके की टेक्नोलॉजी के टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको देता हूँ कुछ आसान से ट्रिक्स, कुछ लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर के अंदर में आसानी से आपके कंप्यूटर को आसानी से अच्छी तरीके से चला सकते हैं। थोड़ा सा 5 से 10 मिनट वहाँ पे जो है ड्राइवर्स डाउनलोड होने, इंस्टॉल होने में टाइम लगे हैं। उसके बाद में रिस्टार्ट आपको कंप्यूटर को कर देना है। फिनिश ऑप्शन करने के बाद में रिस्टार्ट हम करेंगे। फिर से जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखिए साउंड रिकॉर्डिंग में ये देखिए, ये पहले आपको साउंड के एनहांसमेंट का जो ऑप्शन है वो नहीं दिख रहा था, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों ऑप्शन को आपको चेकमार्क लगा देनी है, जैसा कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद फिर से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देखिए अब जब आप साउंड रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर में काफ़ी स्मूथली अच्छे से रिकॉर्डिंग होगा, वीडियो भी रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी तरीके से होगा, और साउंड के अंदर जो हमिंग आ रही थी वो हमिंग नहीं आएंगी। ये दोनों ऑप्शंस हमने लगा देना है। जैसा कि हम यहाँ पर निकाल कर देखते हैं तो साउंड थोड़ा सा आवाज़ के अंदर में गड़बड़ आ रही है, लेकिन जैसे हम उसके अंदर में ये चेक मार लगा के ओके कर देंगे,
और इसे हम बढ़ा देंगे तो आपका जो हमिंग है वो भी दूर हो जाएगा और आपका जो कंप्यूटर के अंदर में साउंड रिकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर ले ड्राइवर। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।